इंडाइजेशन, कॉन्स्टिपेशन या फिर एसिडिटी, पेट का अच्छे से साफ ना होना, बहुत ज़्यादा कब्ज बने रहना या फिर बहुत ज़्यादा एसिडिटी रहना, खाना अच्छे से नहीं पचना, गैस, इस तरह की प्रॉब्लम बहुत सारे लोगों को होती है। बहुत सारे लोग इसके लिए इंग्लिश मेडिसिन का इंटेक करते हैं। लंबे समय तक अगर आप किसी भी नेचुरल प्रोसेस के लिए अगर आप दवाइयाँ खाते हो तो दवाइयाँ आपके शरीर में नुकसान पहुँचा सकती हैं, क्योंकि आपको पता होगा कि हर इंग्लिश मेडिसिन का अपना एक साइड इफेक्ट होता ही होता है। तो गैस, जब मैं छोटी थी और मुझे पेट से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम होती थी तो मेरी मदर मुझे हमेशा ये बनाकर देती थी और मुझे इसके बहुत ज़्यादा इंस्टेंट रिजल्ट देखने को मिलते थे, मुझे बहुत ज़्यादा राहत मिलती थी। तो मैंने सोचा क्यों ना आपके साथ भी इस रेमेडी को शेयर करूँ। लेकिन उससे पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर दीजिए और दबा दीजिए बगल के बेल बटन को, मैं ऐसा के वीडियोज़ आपके लिए बनाती रहती हूँ। तो चलिए गाइस, लेट्स गेट स्टार्टेड। तो फ्रेंड्स, इस जादुई रेमेडी को बनाने के लिए सबसे पहले आपको चाहिए होगा अजवाइन, जिसको हम लोग कैरम सीड्स बोलते हैं। एक चम्मच ले रही हूँ यहाँ पर मैं। और जो दूसरा इंग्रेडिएंट है वो है मेथी दाना, जिसको हम लोग इंग्लिश में फेनुग्रीक सीड्स बोलते हैं। ये भी आराम से आपको किचन में मिल जाएगा। गाइस, सारी की सारी सामग्री आपको किचन में आराम से मिल जाएगी। यहाँ पर मैं हिंदी और इंग्लिश दोनों वर्ड का इस्तेमाल कर रही हूँ ताकि आप लोगों को किसी भी तरह का डाउट ना हो। और साथ में यहाँ पर मैं एक चम्मच के आसपास सौंफ, ये मसाले वाली सौंफ है जिसको हम लोग फेनल सीड्स बोलते हैं, वो लेंगे और इसको अच्छे से मिक्स कर लीजिए। गाइस, यहाँ पर जो मैं रेमेडी बना रही हूँ ये 2 से 3 दिन के लिए ही बना रही हूँ, क्योंकि मैं जब भी इस्तेमाल करती हूँ तो फ्रेश ही ज़्यादा इस्तेमाल करती हूँ, क्योंकि वो ज़्यादा फ़ायदा करता है। लेकिन अगर आपको लगता है कि आपकी लाइफ स्टाइल बहुत ज़्यादा बिजी है, टाइम नहीं है आपके पास, तो फिर आप इसको 1 हफ्ते के लिए बना कर रखिएगा, इससे ज़्यादा मत बना के रखिएगा, और एक एयरटाइट कंटेनर में इसको स्टोर करके ज़रूर रखिएगा। तो अब हमें इसका थोड़ा सा कोर्सली पाउडर बनाना है। तो मिक्सी में मैंने इसे चला लिया था, इन 3 चीज़ों को, बहुत ज़्यादा इसको फाइन पाउडर नहीं बनाना है, थोड़ा मोटा मोटा सा ही रखना है। और अब इसी में हमको ऐड करना होगा हींग, जिसको हम एसोफटीडा बोलते हैं, ये 1/4 टीस्पून के आसपास है। और साथ में यहाँ पर मैं ब्लैक सॉल्ट, जिसको हम लोग काला नमक बोलते हैं, वो लेंगे और ये 1 टीस्पून के आसपास है। अगर आप लोगों को हाई बीपी की प्रॉब्लम है, हाइपरटेंशन जैसी प्रॉब्लम है, तो नमक का कंजप्शन और कम करिए। इसको अच्छे से मिक्स कर लीजिए और एयर टाइट कंटेनर में ही इसको जब भी बनाइए रखिएगा। और गाइज, ये सारी की सारी चीज़ें हैं ना, ये बहुत ही ज़्यादा इफेक्टिव है आपके पेट के लिए, क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा रेचना प्रॉपर्टीज़ होती है, जिसको हम लोग लैक्सेटिव प्रॉपर्टी बोलते हैं। और साथ में इसमें बहुत ज़्यादा मात्रा में, चाहे मेथी हो, अजवाइन हो या फिर सौंफ हो, इन सब में काफ़ी ज़्यादा मात्रा में आपको एंटीऑक्सीडेंट्स और फाइबर मिलते हैं, जो आपका पेट बहुत अच्छे से साफ़ करते हैं। साथ में गाइज, इसको ज़रूर से ज़रूर लीजिए, इसके और भी बहुत सारे बेनिफिट्स हैं। वेट लॉस में भी ये काफ़ी ज़्यादा इफेक्टिव होता है। बस इसका एक चम्मच आपको गुनगुने पानी के साथ लेना है। आप इसको किसी भी समय ले सकते हैं दिन में, और अगर आप चाहें तो सुबह जब आप फ्रेश होने जाते हैं तो उसके पहले भी इसको ले सकते हैं। तो गैस, जो लोग प्रेग्नेंट हैं या फिर कंसीव करने का प्लान कर रहे हैं, वो लोग प्लीज़ कुछ भी लेने से पहले डॉक्टर से कंसल्ट ज़रूर कर लें। अपने मन से कुछ भी नहीं ले लेना चाहिए आप लोगों को। और साथ में जिनको भी है कब्ज की प्रॉब्लम, पेट से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम, उनके साथ इस वीडियो को ज़रूर शेयर करिए, उनको बहुत ज़्यादा राहत मिलेगी। साथ में आपकी कोई क्वेरी है, सुझाव है, आपके फीडबैक्स है, मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। आपसे मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए कंटेंट के साथ। तब तक के लिए बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग।